5% ये आ गया। ठीक है, हमारे पास रिजल्ट आप लोग के सामने है। ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, हाँ हाँ ये मैंने गलत की है। ठीक, बात करेंगे पाकिस्तान एयरफोर्स में इंग्लिश टेस्ट किस तरह होते हैं, और हमारे पास कुछ MCQs है वो हम आप लोग को दिखाएंगे और सॉल्व भी करेंगे कि इंग्लिश का MCQs किस तरह सॉल्व कर देंगे और किस तरह इंग्लिश का MCQs आते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स टेस्ट में। ठीक है, तो हम आप लोग को दिखाएंगे, वीडियो हमारे साथ एंड तक वॉच कीजिएगा। जैसे आप सिलेक्शन सेंटर पे चले जाते हो तो आप लोग को जो पेपर होते हैं वो इस तरह शो हो रहा होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप लोग को स्टार्ट नज़र आ रहा है, अब हम स्टार्ट पे क्लिक करते हैं। तो स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद जो हमारे पास टेस्ट, ये देखो हमारे पास टेस्ट भी अपेयर हो गया, या फिर टाइम चल रहा है। ठीक है, या फिर MCQs चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे यू मस्ट, फिर स्पेस या फिर दिए हुए व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। ठीक है, या फिर इन्होंने ऑप्शन दिए हुए, हम ऑप्शन को देखते हैं। ठीक है, हमारे पास चार ऑप्शन है, हमारे पास चार ऑप्शन है, यू मस्ट, फिर स्पेस, नंबर 1 वी नो, ऑप्शन नंबर 2 नोन। ठीक है, तीसरे में नोज, यू मस्ट नो, जो हमारे पास राइट आंसर है वो नो है। ठीक है, हम इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद हम फिर नेक्स्ट पे, हमारे पास क्लिक हो गया, सेम इसी तरह शो हो रहा होता है। ठीक है, आपके कंप्यूटर पे हम फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास शो हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरे 20 में से। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास टाइम चल रहे है, टाइम को आप लोग देख लीजिएगा। दूसरे में कहते हैं अ मैन एज टू प्लेस देन बुक एज टू, अगर जो बंदे हैं वो गोश्त से बने हुए हैं तो बुक किस चीज़ से बने हुए हैं, बुक पेपर से बने हैं। तो हम इस पर क्लिक करेंगे और फिर हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास अगला जो है वो क्वेश्चन अपीयर हो गया। जैसे हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 और टाइम यहाँ पे हमारे पास चल रहे हैं नोबडी, फिर स्पेस व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। ठीक है, तो इसमें क्या लगेगा, तो इसमें हमारे पास जो लगेगा नोज नोन हेड नो वेल नो, तो नोज हमारे पास लगेगा। ठीक है, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद फिर मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप टाइम को देख लीजिएगा, टाइम भी रन कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, और साथ साथ हमारे पास चौथा क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो करेक्ट वर्ड को आप लोग चूज़ करें। ठीक है, तो करेक्ट वर्ड हमारे पास क्या है, ब्लाइंड है, वन हु कांट नॉट टॉक, जो बात ही नहीं कर सकता उसको क्या बोलते हैं, उसको हम उर्दू में गूंगा बोलते हैं। ठीक है, और उसमें क्या बोलते हैं इंग्लिश में, उसको डम बोलते हैं। तो हम इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, इस पे मैंने क्लिक कर दिया और अभी मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये कह रहे क्वेश्चन में डू नॉट, क्वेश्चन को बिल्कुल आपने गौर से पढ़ना है। डू नॉट फिर स्पेस है या फिर हेम लिखा हुआ है, डू नॉट फनिश हेम स्प्लेट हेम स्प्लेट फनिश, तो यहाँ पे हम फनिश लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि बंदे को तो आप डिवाइड नहीं कर सकते स्प्लेट स्पेल्ट। ठीक है, तो हम फनिश लिखेंगे। ठीक है, आपने क्वेश्चन को सही समझना है। ठीक है, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद या फिर आप लोग को चार ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, ये क्लियर है, अब इसको मैं क्लियर भी कर सकता हूँ। ठीक है, मैं जो पीछे क्वेश्चन है पीछे वो मैं उस पर भी जा सकता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको टेस्ट को ख़त्म भी कर सकता हूँ और मैं आगे भी जा सकता हूँ। जैसे मैं मतलब मैं क्लियर पर अभी प्रेस कर देता हूँ। ठीक है, मैंने क्लियर कर दिया तो ये गायब हो गया। ठीक है, मेरा मैं दोबारा इस पर क्लिक कर देता हूँ तो ये दोबारा भी लग जाएगा। मैं अभी अगर प्रीवियस पे क्लिक कर देता हूँ तो मेरा जो है वो प्रीवियस पे चला गया। ठीक है, जैसे आप लोग के सामने शो हो रहे हैं। इसके बाद जो है मैं अगर नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ तो ये हमारे पास नेक्स्ट पे चला गया। नेक्स्ट हम लोगों ने ऑलरेडी क्या हुआ था, अब हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास अगला सवाल आएगा। अगला सवाल मेरे पास आ गया, चूज़ टू करेक्ट वर्ड, इसमें कह रहे हैं कि जो सही स्पेलिंग है उसको चूज़ करें। ठीक है, डिने का मतलब जो हमारे पास उर्दू में वो इनकार करना है। अब इनकार करने के लिए जो हमारे पास इंग्लिश में वो रिफ्यूज़ भी इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है, रिजेक्ट तो नहीं हम कह सकते, एक्यूज्ड कांट से मैं नहीं कह सकता। ठीक है, तो हम इसको चूज़ करेंगे, इसको चूज़ करेंगे तो इस पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। इसके बाद अब मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद ठीक है वो कहते हैं चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। अब इसमें बिजनेस दिए, बिजनेस दिए, बिजनेस लिखे, जो हमारे पास करेक्ट स्पेलिंग है वो बिज़नेस का वो ये है। ठीक है, बिज़नेस का मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद फिर मैं जो है नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, या भी हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, कहते हैं लेट अस, अब या भी इन्होंने दिया हुआ बीन हैविंग हैड, तो लेट अस हैव वॉक। ठीक है, तो इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। ठीक है, अब मुझे लगता है कि यार मेरा जो पिछला क्वेश्चन था वो मैंने जो है ना वो थोड़ा सा डाउट है, मुझे थोड़ा सा शक है, तो मैं फिर उस पर जाता हूँ। अगर मुझे लगता है यार ये वाला जो ऑप्शन है ठीक है
ये सही नहीं है, ये गलत है, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। वैसे मेरा जो ऑप्शन है वो ये सही है, मतलब मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो ये हो गया, लेकिन मेरा जो ऑप्शन है अभी वो सही ये है। ठीक है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, फिर नेक्स्ट पे जाता हूँ। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन मैंने कर लिया, ठीक है ऑलरेडी, तो मैं नेक्स्ट पे जाता हूँ। अभी अगला जो क्वेश्चन आएगा वो बिल्कुल फ्रेश क्वेश्चन आएगा, हम उसको भी सॉल्व करेंगे। चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। ठीक है, अब इसमें कह रहे हैं कि स्ट्रक्चर स्ट्रेक्चर स्ट्रेचर। ठीक है, स्ट्रक्चर स्ट्रेचर जो हमारे पास सही जो स्पेलिंग है वो ये है। ठीक है, इसका मतलब है स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हम पहले नंबर पे क्लिक करेंगे स्ट्रक्चर। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, 6 मिनट हो गए, 14 मिनट अभी रहते, तो मैंने 50% पेपर कर लिया, 20 में से मैंने 10 कर लिया। आप लोगों ने टाइम पे ध्यान देना है, साथ साथ में मैं आप लोग को बता भी रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोगों ने टाइम पर भी ध्यान देना है ताकि टाइम आपसे पहले ख़त्म ना हो। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं डेड यू एवर, क्या आपने कभी, फिर यहाँ पे इसमें स्पेस दिए हुए हर, तो यहाँ पे विजिट विजिटेड विजिटिंग, तो हमारे पास जो है वो पहला क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, हम पहले पे क्लिक करेंगे, मैंने पहले पे क्लिक कर दिया। अब मैं जो है ना नेक्स्ट पे जाता हूँ, मैं नेक्स्ट पे चला गया। चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग, इसमें कितने जो सही स्पेलिंग है उसको चूज़ करें। तो हमारे पास जो सही स्पेलिंग है वो रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट हमारे पास जो है वो हो, क्योंकि इसमें जो है ये भी सही है, लेकिन इसमें जो ए है वो सही नहीं है। बाकी इसमें जो है रिक्रूटमेंट, ठीक है, नहीं बिल्कुल ये इसमें जो है ए या फिर गलत है या फिर जो है ये सही है। तो हमारे पास जो है वो चौथा स्पेलिंग सही है। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, अभी नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। मैंने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया, द मैच एज अबाउट टू, तकरीबन मैच फिनिशिंग। तो हमारे पास जो है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, मैच तकरीबन ख़त्म होने वाला है। अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ, नेक्स्ट पे मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, चूज़ तो करेक्ट स्पेलिंग, सही स्पेलिंग को चूज़ करें तो अकोमोडेशन। तो हमारे पास इसका सही स्पेलिंग है वो AMMOD है। ठीक है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, इस पर क्लिक करने के बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। मैंने ये नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया, कहते एज यू सो सोशल यू रीप, जैसा करोगे वैसा मरोगे। तो इसका जो सही स्पेलिंग सही जो या फिर हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो है रीप। ठीक है, वो है ये वाला। ठीक है, हम इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब मैंने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया, ही एज गोइंग टू टेक एग्जामिनेशन, टू की एग्जामिनेशन, टेक्निक गिव एग्जामिनेशन, वो एग्जामिनेशन देने के लिए जाता है। ठीक है, आप अपने आप को कंसिडर करें। ठीक है, ही एज गोइंग टू टेक एग्जामिनेशन, हम इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद करेक्ट स्पेलिंग, ठीक है, कमांडर, कमांडर का वह COMM है। ठीक है, फिर NDOR कमांडर। ठीक है, हमारे पास सही जो स्पेलिंग है वो ये है। ठीक है, हम इस पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ही डिवाइड वाटर इनटू, ठीक है, ही डिवाइडेड इनटू वाटर, उसने वाटर में कंप्लीट कर दिया, इन आर्टिस में नहीं लगा इनटू, और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास अभी 2 क्वेश्चन रह गए और जो हमारे पास टाइम है वो तकरीबन 11 मिनट रह गए। तब जो है आप लोगों ने, क्योंकि मैं आपके उसके लिए कर रहा हूँ, डेमो के लिए कर रहा हूँ, तो मैंने दोबारा देखना नहीं है क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएंगे, लेकिन आप लोगों ने की करना है टेस्ट में, आप लोगों ने दोबारा देखना है। जब तक टाइम ख़त्म ना हो तो उससे पहले आप लोगों ने ख़त्म नहीं करना। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग को जो है उसको चूज़ करें। तो हमारे पास सही स्पेलिंग डिज़ाइन, जैसे अगर हम इसको भी देख ले तो ये भी सही लिखा, हम इस तरह ही बोलते हैं डिज़ाइन, लेकिन नहीं, जो हमारे पास सही स्पेलिंग है वो ये है, क्योंकि जी उसमें साइलेंट होते हैं डिज़ाइन के स्पेलिंग में। हम इसको क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद वन हु कांट हियर, जो बंदा सुन नहीं सकता उसको क्या कहते हैं, उसको हम बहरा कहते हैं। और बहरी यार मुझे शक है, थोड़ा सा डीप कहते हैं बहरी को। अब हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आखिरी क्वेश्चन है, शी इज़ लुकिंग फॉर अ विंडो, शी इज़ लुकिंग थ्रू अ विंडो, वो वैनो के ज़रिए देख रही थी। ठीक है, तो इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद सी रिज़ल्ट, रिज़ल्ट को हम देखते हैं कि हमारे पास क्या रिज़ल्ट निकला है। ठीक है, या फिर आप लोग देख सकते हो। ठीक है, इस तरह से हम आप लोग का सिलेक्शन सेंटर में इस तरह का होता है। ठीक है, अब सी रिज़ल्ट पे क्लिक करते हैं। रिज़ल्ट पे क्लिक करने के बाद देखते हैं क्यों सर किस तरह रिज़ल्ट निकलता है। ठीक है, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट निकले वो 95% ये आ गया। ठीक है, हमारे पास रिज़ल्ट आप लोग के सामने। ठीक है, अब मैंने कौन से क्वेश्चन मैंने गलत किए, 1 क्वेश्चन मैंने गलत किया। ठीक है, ये भी मैंने ठीक किया, या भी आप लोग के सामने है। ठीक है, इसके साथ साथ ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, हाँ हाँ ये मैंने गलत किया। ठीक है, डू नॉट स्प्लिट हिम,
उसको तोड़ने मत दो, उसका दिल टूटने मत दो यार, मैंने पनस पे क्लिक कर दिया, वैसे मैंने ये गलत किया, बाकी मैंने सारे ट्रिक किया। ये एक ऑनलाइन टेस्ट होता है सेम टू सेम, आप लोग का भी ऑनलाइन टेस्ट इसी तरह ही होता है। तो दोस्तों मुझे दुआ में याद रखना, और अगर कोई गलती वगैरह हो गई है तो उसके लिए मैं माजरत ख्वाह हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल।